आज का जो हमारा पॉइंट है वो है शिक्षण कौशल का विकास। ये आपके टेक्नोलॉजी में भी पॉइंट है, शिक्षण में भी पॉइंट है। दो आपके ऐसे यूनिट है जिसमें ये अलग अलग जगह दिया गया है। एक में जानना है कि शिक्षण कौशल क्या, और एक में जानना है कि उसको डेवलप कैसे करेंगे। ठीक है, तो दो जगह कम से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे आपके, 5 से 6 नंबर के। श्योर है? डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट पूछेगा, है ना, जैसे इस बार आपके साइकोलॉजी में पूछा था। तो आज हम जो है शिक्षण कौशल का अध्ययन करेंगे। पहले तो जानेंगे कौशल क्या है, कोई बताएगा? कौशल क्या होता है? काम करने का तरीका। मैंने आपको मेथड भी बताया था इसी को। कौशल जो आप बता रहे हैं, काम करने का तरीका, इसको क्या कहते हैं? मेथड। और कौशल क्या है कुछ बताइए। बिना पूर्व ज्ञान के आकलन के मैं कैसे आगे चलूं? देखिए, हर जगह जो मैं बोलूंगी उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। वो एक एक शब्द आपका कहीं ना कहीं ज्वाइंट है शिक्षण से। जैसे मैंने आपसे प्रश्न किया कि कौशल क्या है, तो मैं क्या आकलन कर रही हूँ? आपके पूर्व ज्ञान का। काम को मैं प्रभावी ढंग से करना कौशल है। ठीक, कौशल जो होता है आपकी क्या होती है? एबिलिटी, क्षमता, किसी काम को करने की क्षमता इस प्रकार की कि उसमें कम समय लगे, कम अर्थ लगे, श्रम भी क्या लगे, कम। जैसे कहा जाए कि जाइए टाइपिंग करा के आइए, है ना। तो अगर यहाँ पे सारी दुकानें संडे को बंद है तो कोई भी बैठा रहेगा, आप जाएंगे टाइपिंग कराने, और वो 1 घंटे में 1 पेज करेगा तब भी आप कराएंगे। लेकिन आपका क्या हुआ? समय भी खराब हुआ, टाइपिंग में भी बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी, है ना। लेकिन वही जिस दिन मार्केट खुले रहेंगे और आप जाएंगे टाइपिंग कराने, तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 पेज आपका टाइप करके दे देगा। तो उसके अंदर क्या है? कौशल, अर्थात किसी कार्य को करने की क्षमता जो आपके श्रम, समय और धन की बचत करे, उसे क्या कहेंगे आप? कौशल। अब आते हैं जो आपका पॉइंट है, कौन सा कौशल यहाँ पढ़ना है? शिक्षण कौशल, अर्थात शिक्षण को करने का ऐसा तरीका जिसमें समय भी कम लगे आपका, श्रम भी कम लगे, है ना, व्यय भी कम हो, साथ ही साथ जितना आप प्रभावशाली शिक्षण कर रहे हैं उससे भी अधिक आपका प्रभावशाली शिक्षण हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे आप? शिक्षण कौशल। ठीक है, तो हम इसको बेसिकली 3 भागों में बांटते हैं, नोट करते जाइएगा। नोट करिए, ये कौशल है आपका। यहाँ ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक मत करिएगा, यहाँ हम क्या बता रहे हैं? कौशल। कौशल को मुख्यतः कितनी कैटेगरी में बांटा जाता है? 3। एक तो आपका ज्ञानात्मक कौशल होता है, दूसरा कठोर, आपकी जितनी स्किल होते हैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, और क्या होती है? मृदु। अब इसको जरा सा रिमाइंड करिए, कहीं आपने इसको देखा है? जल और कठोर मृदु, और कहीं देखा है? कहीं देखा है? इंग्लिश बोलूं? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सुना है? कहाँ सुना है? वहां यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ भी रहेगा कौशल का। जो कठोर मृदु आप कह रहे हैं, ठीक है, वो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें मृदु वाले को आप नहीं डिफाइन कर सकते, कठोर वाले को कर सकते हैं। तो जो आपका ज्ञानात्मक कौशल होता है, मेंटली जितनी आपकी मेंटली प्रोसेसिंग होती है वो ज्ञानात्मक कौशल में आती है। दूसरा, जैसे आपका कंटेंट कैसा है, है ना, आप किस प्रकार, कौन सा कंटेंट पढ़ा रहे हैं, आपके उद्देश्य कैसे, ये सब कौन सा कौशल हो गया आपका? ज्ञानात्मक। कठोर हार्डवेयर टाइप जो आपके होंगे वो कौन से कौशल होंगे? उपकरण संबंधी। क्या होता है हार्डवेयर? देखिए, हाँ कॉन्सेप्ट दूसरा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दूसरे प्रकार से समझा रही हूँ। जितने उपकरण आपके होंगे जिनको आप छू सकते हैं, इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो आपके कौन से कौशल होंगे? इंस्ट्रूमेंटल, आप उनको स्किल कह सकते हैं, या कठोर आपके कौशल के कैटेगरी में आएंगे। तीसरा आपका होता है मृदु कौशल, जैसे सॉफ्टवेयर जिनको ना छू सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो होती है ना। ठीक, तो वो कौशल आपके कौन से कौशल होंगे? मृदु कौशल। तो 3 कैटेगरी हम मुख्यतः डिवाइड करेंगे शिक्षण में, कौन से? ज्ञानात्मक, कठोर और मृदु। नोट हो गया।
अब देखिए बात आती है शिक्षण कौशल के विकास के, और उसके बाद हम बताएंगे कि कौन से कैटेगरी का विकास कौन सा आपका स्किल करता है। तो जैसे विकास की बात आएगी तो सबसे पहले आपका जो टर्म आता है सूक्ष्म शिक्षण, इसको जानेंगे फिर आपको बताएंगे कि ये कैसे डायरेक्टली लिंक है शिक्षण कौशल के विकास से। आपने सुना होगा माइक्रो टीचिंग, सुना है ना, क्या करते हैं उसमें? मतलब 30-35 मिनट पे टॉपिक को प्लान करके खत्म करते हैं। यही तो आप पाठ योजना में भी करते हैं 5-6 मिनट में। और कोई? हाँ, एक बार में एक कौशल का अध्ययन करते हैं, और वो ना 6 मिनट होता है ना 35 मिनट, वो एक एक स्टेप 6 मिनट के इंडियली, जो इंडियन आपकी स्ट्रेटेजी है उसमें 6 मिनट का एक स्टेप लेके कुल 6 स्टेज बनाए गए, छछा के 36, और कहीं वो 35 होता है और कहीं 40, अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग टाइम में बाउंड किया है। लेकिन यहाँ जाने सूक्ष्म शिक्षण था क्या, शिक्षण की सूक्ष्मता का अध्ययन। सूक्ष्मता क्या, एक साथ पढ़ा रहे हैं, इसी में जितने आपके कौशल हैं, अगर एक बार में एक कौशल का अध्ययन करेंगे तो कौन सा शिक्षण कहलाएगा आपका? सूक्ष्म शिक्षण। इसके जन्मदाता जी एलन, ठीक। कुछ चीजें यहाँ स्मृति स्तर की भी जानती रही, बाय चांस आपके सामने आ गई तो ये जो आपका सूक्ष्म शिक्षण है इसको इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग कहते हैं। ये एक बार में एक कौशल का आपका प्रशिक्षण या अभ्यास कराता है। ये क्या है, एक प्रकार का अभ्यास है, आपको कैसे पढ़ाना है। अगर एक एक बार में एक एक चीज का अभ्यास करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, आपका सूक्ष्म शिक्षण। अब देखिए इसमें अभ्यास क्या करते हैं और इसको बनाते कैसे, जैसे इसका प्रश्न आया था आपका योजना, कई जगह पहले प्रस्तावना भी है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप से डिफाइन किया, लेकिन इसको इजीली समझना यहीं से सही है, क्योंकि बिना आप योजना बनाए प्रस्तावना प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये बात आप जानते हैं, जब तक आप योजना ही नहीं बनाएंगे कि करना क्या है, प्रबंधन आपने अगर पढ़ा होगा तो पहला स्टेप क्या होता है, योजना। शिक्षण पढ़ा होगा तो क्या है, योजना। तो सूक्ष्म शिक्षण पढ़े तो उसमें भी पहला स्टेप क्या होगा आपका, योजना। अगर आप कोई योजना बनाते हैं किसी एक कौशल की, फिर उसका क्या करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण। और इसका तीसरा जो स्टेज है वो क्या पढ़ना है, प्रतिपुष्टि या फीडबैक इसको बोलते हैं। तीन मुख्य स्टेज, देखिए ये नहीं है पूरा सूक्ष्म शिक्षण, लेकिन समझिए यहां से। पहले आप क्या करेंगे, कोई चीज प्लान करेंगे कि हमें इस कौशल का अध्ययन करना, अभी मैं बताऊंगी कौन कौन सा कौशल है, ठीक। दूसरा फिर क्या, उसको यहाँ प्रेजेंट करेंगे, एक छोटा समूह होगा जिसके जो संख्या होंगी सदस्यों की 5 से कितनी होंगी 10, जो आपका टाइमिंग होगा एक स्टेज का, कहीं कहीं 5 है जो फॉरेन के लोग हैं, जहाँ फॉरेन के अगर मेथोडोलॉजी देखी जाए तो वहाँ 5 है, और इंडिया में क्या है, एक स्टेज कितने मिनट का है, 6 मिनट का, कुल कितने मिनट के हैं, 36। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा, यहाँ मैंने कितने स्टेप बताए, 3 ना, और मैंने क्या बताया, ये क्या है, अभ्यास। अच्छा ये बताइए, कोई चीज़ आपने अभी पढ़ी तो क्या इसे अभ्यास कहेंगे? नहीं, जब तक वो दोबारा नहीं करेंगे, फिर यहीं से आप सुधार करके फिर से पुनर्योजना बनाएंगे, पुनः सूक्ष्म शिक्षण करेंगे और पुनः प्रतिपुष्टि आप प्राप्त करेंगे। तो ये 6 स्टेप का जो आपका स्टेज है, ये कौन सा चक्र कहा जाता है, सूक्ष्म शिक्षण का। आप समझ में आया, एक बार में एक कौशल का अध्ययन पहला, छोटे छोटे स्टेप में आप बांटते हैं, दूसरा योजना बनाते हैं, फिर आके क्लास में उसको पढ़ाते हैं, फिर क्या फीडबैक लेते हैं उन 5 से 10 लोगों से जो आपके क्या है, सूक्ष्म समूह है। यहाँ समूह सूक्ष्म, टाइम सूक्ष्म, कौशल भी एक अर्थात सूक्ष्म, यहाँ हर चीज क्या है, सूक्ष्म है, ठीक। और स्टेज कितने, 6। क्यों, पहले आप योजना बनाएंगे जनरली अगर जानिए, फिर उसको क्या करेंगे, उसका शिक्षण करेंगे, फिर प्रतिपुष्टि प्राप्त करेंगे, और फिर जब प्रतिपुष्टि प्राप्त की तो जरूरी तो नहीं आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप क्या हैं, आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कुछ सुधार उसमें करेंगे, नहीं तो आपको जो लगता है कि हाँ हमसे कमी हो गई पहली बार प्रेजेंट करने में, तो क्या करेंगे, पुनर्सुधार करके फिर से योजना बनाएंगे,
और उस योजना को फिर से शिक्षण में प्रतिपादित करेंगे, शिक्षण पुनः फिर से करेंगे और फिर से आप फीडबैक पाएंगे। और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक आप उसमें दक्ष नहीं हो जाते। मिनिमम कितने स्टेज होंगे इसके? 6। क्यों? ये अभ्यास है। और प्रमुख क्या है? आप प्लान करेंगे, पढ़ाएंगे और क्या लेंगे? फीडबैक। जैसे आप कहते हैं मूल्यांकन कक्षा में, क्या आप योजना बनाते हैं, पढ़ाते हैं और क्या करते हैं? मूल्यांकन के प्रश्न पूछते हैं। वही यहाँ भी करना है, आप योजना बनाए, शिक्षण किया और क्या किया? उनसे फीडबैक लिया, फिर पुनर्योजना बनाया, सुधार करके पुनर्शिक्षण किया और फीडबैक लिया। ये कम से कम इसके 6 स्टेज होंगे। लेकिन फिर भी आपके अंदर कोई कमी है, याद रखिए, ये क्या है? एक साइकिल है। और साइकिल की क्वालिटी आप जानते हैं क्या होती है? चलती ही रहेगी, जैसे ये पंखा चलता है। फिर से ये प्रारंभिक पॉइंट पे आते आते क्या होगी? आपकी ऐसे जब तब तक चलेगी जब तक आप उसमें दक्ष नहीं हो जाते। समझ में आए ना? अब हम अध्ययन करेंगे कि कौन से कौशल हैं जिनका विकास शिक्षण में बहुत आवश्यक है। पिन पॉइंटेड पढ़े क्योंकि बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं? क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है, इसमें आपको टेक्नोलॉजी पढ़ानी है, मैनेजमेंट भी पढ़ाना है, एक एक पेपर एक एक नंबर का आएगा, ठीक? तो यहाँ सबको हम समरी के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। जैसे इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, पूछिए। इसको ना रगड़ दिया करिए तब ये अच्छा चलता है, है ना? तो जो सूक्ष्म शिक्षण है वो क्या हुआ? छोटे समय में, कम समूह में, ठीक है, एक कौशल का एक बार में अध्ययन करना क्या है? अभ्यास करना सूक्ष्म शिक्षण है। अब हम बात करेंगे इसमें कौशल कौन कौन से आते हैं। जैसे सबसे पहले क्या बनाते हैं आप? योजना, ना? तो यहाँ क्या है, प्लानिंग कैसे करेंगे इसका आप नहीं अध्ययन करेंगे, लेकिन योजना में सबसे पहले क्या आता है आपका? बस थोड़ा सा कन्वर्ट करिए उसको। यहाँ कौन सा शब्द यूज करते हैं? यहाँ लक्ष्य और उद्देश्य दो अलग चीज है ना। यहाँ आप क्या करेंगे? उद्देश्य, उद्देश्य लेखन, हाँ। और यही, ये नहीं इसको किसी सूक्ष्म शिक्षण में, ये आपके शिक्षण में भी है। आप उद्देश्य कैसे बनाएंगे ये भी एक क्या है? कौशल। अभी मैं आपको बताती हूँ कितना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि उद्देश्य आपके क्या होने चाहिए। आपको जाना है घर, तो आप इधर से जाइए उधर से जाइए, 2 घंटे में पहुँचेंगे, 4 घंटे में पहुँचेंगे, लेकिन पहुँचेंगे कहाँ? घर। तो वो घर आपका क्या है? ना, वो घर आपका लक्ष्य है, गोल। लेकिन अगर आपको पता है कि हम अभी मान लीजिए 8:35 हो रहे हैं और मुझे 9 बजे घर पहुंचना है, तो आप किधर से भी जाएंगे इधर उधर टेढ़े बेढ़े करके, आपको ये आपका टारगेट रहेगा कि वहाँ घर पहुँचे, लेकिन कब? 9 बजे से पहले। जैसे रात हो रही है हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे शाम ढलनी शुरू हुई बस आपको घर पहुँचना है, इतनी स्पीड में जाएंगे चाहे गिरे पड़े चाहे घर पहुँचे ना पाए, लेकिन भागते जाएंगे, है ना? तो पहुँच कहाँ रहे हैं? पहुँचना आपको लक्ष्य पे ही है, लेकिन क्या मैटर करता है जल्दी पहुँचते हैं कि देर में? कैसे? आपका उद्देश्य जो होता है वो आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। वही उद्देश्य आपके शिक्षण में भी होते हैं। आप यहाँ खड़े क्यों हैं? ये चीजें, ये पॉइंट्स आपके कौन बताता है? उद्देश्य। क्योंकि यहाँ तो नहीं हम आए आप पढ़ा के चले गए, मेरा उद्देश्य था ना आपको आज शिक्षण कौशल का विकास पढ़ाना, तब ना ये पढ़ा रहे कि हाँ हमें खड़े होकर बकबकाना हो तो घंटों बकबकाएंगे, है ना? कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन ना आप पास हो पाएंगे और मेरा टाइम भी बीत जाएगा, हमको महीने के बाद सैलरी भी मिल जाएगी, लेकिन क्या उद्देश्य? कोई नहीं, ना आपका फायदा, मान लीजिए मेरा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका क्या होगा? नुकसान। लेकिन पहुंचना, आपको एग्जाम देना ही है, वो क्या है आपका? गोल। लेकिन देना कैसे है, किस प्रकार से देना है, किन सीढ़ियों से चल के देना है, ये आपके क्या होंगे? उद्देश्य। तो शिक्षण में बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो क्या होता है आपका? उद्देश्य। तो शिक्षण के आपको उद्देश्य मैंने कई प्रकार के बताए थे पिछली बार, लेकिन यहाँ हम ये बताएंगे कि उद्देश्य कैसे होने चाहिए। इसके लिए आप देखिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ब्लूम का पूरा नाम देखिए। अब मैं यहाँ आंसर देना बंद करूंगी, सिर्फ आपके दिमाग में क्वेश्चन छोड़ूंगी ताकि आप क्या करें, पेज पलटें। कितने उन्होंने स्टेज दिए हैं उद्देश्य के? कितने स्तर? 6।
तीन ही दिए हैं, उन तीनों में कैटेगरी। हाँ ठीक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्या, क्रियात्मक। और इसको एक चीज और बोलते हैं, मनोचालक। अगर आपका ये भी टर्म आया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कहां से आ गया। देखिए यही तो है कि बदल के पूछना और आप कंफ्यूज है, तो देखा ही नहीं है, मैडम ने पढ़ाया ही नहीं। तो क्या होगा आपका, तीन प्रकार के ब्लूम ने क्या दिए, उद्देश्य। कौन कौन से, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। जो छह बताया आपने वो छह किस में है, संज्ञानात्मक में। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, जो सेट ए का पहला प्रश्न था, है ना। जब मैं रटा रही थी तो लग रहा था कहाँ से आएगा, लेकिन देखिए पहला प्रश्न, शायद उन्होंने मेरे ऊपर दया कर दी कि वो मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया था कि वही प्रश्न आपको दे दिया। क्या था इसके कितने स्टेज थे, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, पहले संश्लेषण की विश्लेषण बताया है, बताइए, विश्लेषण है, फिर क्या है, संश्लेषण है, फिर क्या है, मूल्यांकन। देखिए बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लीजिए। ज्ञानात्मक जो आपके यहाँ संज्ञानात्मक जो होंगे वो मेंटली प्रोसेस होंगे, यहाँ जो उद्देश्य होंगे वो इमोशनली प्रोसेस होंगे, और यहाँ आपके जो होंगे एक्टिविटी या स्किल या फिजिकल जितने, मनोचालकता। चालकता कब आएगी, मोटर कब चलता है, मोटर कब माना जाता है, जब तक वो चले ना। तो यहाँ जो आपने सीखा दिमाग में उसको इमोशनली अटैच किया और उसको अपनी क्रियाओं में अगर उतारा, तब जाके शिक्षण के सारे उद्देश्य पूरे होंगे, किसके अनुसार, ब्लूम के अनुसार। ठीक, अब जरा सा दिमाग पे जोर डालिए आप, आपने जो लेसन प्लान बनाया उसमें कितने स्टेज आप लिखते थे, भूल गया, उद्देश्य लिखते थे ना, ये कौन से उद्देश्य हैं, देख लीजिए ये विशिष्ट उद्देश्य हैं। अभी मैं सामान्य की भी बात करूंगी जब मैं आपको विकास बताऊंगी, लेकिन यहां हम कौन से उद्देश्य की बात कर रहे हैं, विशिष्ट, किससे रिलेटेड है, प्रकरण से, है ना, जो टॉपिक आपका पढ़ाना है। आप देखिए दिमाग पे अगर प्रेशर डालेंगे तो आप कौन कौन से उद्देश्य बनाते थे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक या प्रयोगात्मक, और एक इतना ही बनाते ही है, चौथा स्टेज में अभी आपको बता रही हूँ कहाँ से आया है ना। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये इसके तीन स्टेज ही आप पहुँच पाते हैं, वो भी किसके, संज्ञानात्मक के। आप सोचिए कि कितने हाई लेवल का ये इनका टैक्सोनॉमी है और इन्होंने क्या क्या सोचा। जैसे यहाँ आपने दिमाग में तो पढ़ लिया, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं नहीं आप गलत बढ़ा रही है, हाँ हाँ मैम यहाँ समझ में आ गया, कहेंगे वहाँ जाके घर, नहीं बिल्कुल गलत करी थी, हम मानेंगे नहीं। जैसे आंसर की पे आप लोग बोलते हैं, कुछ ऐसे सही भी आंसर की, कुछ कीज ऐसे, कुछ आंसर सही भी हैं, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा कि वो सही, आप क्लेम करेंगे, और कुछ क्या है वो तो गलत आई हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो वो पक्ष आपका कौन सा हुआ, भावात्मक, और क्रियात्मक क्या, आपने दिमाग में प्रोसेस किया, उसको एक्सेप्ट किया, अपने चरित्र में उतारा, और अगर अपने व्यवहार में, अपने क्रियाओं में देख रहे हैं, तो इस प्रकार के उद्देश्य आपके कौन से उद्देश्य होंगे, क्रियात्मक। अब हम बात करते हैं जो हम उद्देश्य बनाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहां आप तीन याद रखिए, ठीक, RCEM, किसी ने नाम सुना है, नाम सुना है, इसी पे आपका पूरा लेसन प्लान बनता है, नहीं सुना, जो आप ये उद्देश्य बनाते हैं इनका है, ब्लूम का होता तो सारा बनाते ना, इन्होंने एक कैटेगरी दी है, इसमें एक सृजनात्मक सृजन भी दे दिया, चार इनके स्टेज, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में है ना, कुछ याद आ रहा है ये कहाँ सुना, कल मैंने आपको चार ऐसे इंस्टीट्यूट पूछे थे जो इग्नू ने स्थापित किए हैं चार दिशाओं में, उसी में से एक दिशा में ये है मैसूर, दक्षिण, हाँ भोपाल में भी है, लेकिन ये जो हम इसमें RCM जो मेथड है अक्सर सुना होगा इसलिए मैं ये मेथड आपको बता रही हूँ, इसने जो डेवलप किया, चार शिक्षण के कौशल आपके डेवलप किए, कौन कौन से, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक और सृजनात्मक। ठीक, इसमें ज्ञानात्मक क्वेश्चन वो होंगे जिसमें क्या क्या होगा, रिकॉल होगा, रिकॉग्नाइजेशन होगा, अर्थात
प्रत्यास्मरण और पहचान। अगर बाल आपके उद्देश्य इस प्रकार के जिसमें बालक क्या करे, पुराना जो पढ़ा उसको रिकॉल कर ले, तो ये उद्देश्य आपके कौन से होंगे? ज्ञानात्मक। ठीक, जैसे अभी मैं आपको डिफिनेशन बताऊं, मैंने आपको ऐसे बताया कौशल क्या है, और मैं तुरंत पूछूं कि कौशल क्या है, अगर आप जैसे मैंने बताया वैसा बता दे, और मैंने ये उद्देश्य बनाया था अपने लेसन प्लान में कि बालक कौशल का अर्थ बता सकेंगे, तो वो कौन से उद्देश्य आपके हो गए? ज्ञानात्मक। जैसे का तैसा किसी चीज को प्रत्यास्मरण कर लेना और उसकी पहचान कर लेना कि हाँ यही है, ये कौन से आपके उद्देश्य होंगे? ज्ञानात्मक। दूसरा बोधात्मक, इसमें आपका कौन कौन सा आएगा? आप अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर सकेंगे, उसके उदाहरणों को समझ सकेंगे, तुलना कर सकेंगे, विभेदीकरण कर सकेंगे, तो ये आपके जो उद्देश्य होंगे इस प्रकार के कौन से उद्देश्य होंगे? बोधात्मक। तीसरा आपका क्रियात्मक, जो आपकी स्किल डेवलपमेंट करें, जो आपको जिस लिए यहाँ हम आए, वास्तव में क्या है आपके व्यवहार में जितनी समस्याएं आती हैं उनको सुलझाने के लिए ना हम पढ़ाते हैं, कि हम बताते हैं कि H2O पानी है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ आपको बता देना कि H2O पानी है। आप उस H2O को जब देखें तो आप महसूस करें कि नहीं, ये ऐसे अणुओं से बना है जिसमें H और O, लेकिन पढ़ाते क्या है, बच्चा सोचेगा अगर सूक्ष्मदर्शी लेके देखेंगे तो हमें कहीं H दिखेगा कहीं O, पढ़ाते आप ऐसा है? उद्देश्य क्या है? H2O रटो, ये बॉन्ड बनेगा, ऐसे दो H होगा, एक O बीच में O होगा, तो सूक्ष्मदर्शी लेके अगर सोचेगा उसके हाथ में आ जाए तो पानी में जरूर देखेगा कि हाँ हमें कहीं H दिख रहा है कहीं O दिख रहा है, लेकिन क्या ये आपने संकेत दिया? करना क्या है, उसको व्यवहारिक जीवन से जोड़ना है। तो वही जो उद्देश्य आपके होते हैं वो कौन से उद्देश्य होते हैं? क्रियात्मक। और उन चीजों को करके अगर बालक मूल्यांकन के पश्चात नए ज्ञान का सृजन कर ले रहा है, एक कॉन्सेप्ट, एक संप्रत्यय बना ले रहा है, तो आपका कौन सा उद्देश्य हो गया? सृजनात्मक। तो ये किसके अकॉर्डिंग चार स्टेज है आपके? RCEM, यही मेथड आपका पाठ योजना में चलता है जो आप बनाते हैं। ठीक, ये तो बात होगी कि ये आपका उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं। अब इसका विकास कैसे करना है, जो कौशल है आपके, इसको देखिए, आप बताइए उद्देश्य कैसे होने चाहिए, कुछ बताते रहिए। अब यहां आपको दो उद्देश्य पढ़ने हैं, सामान्य और विशिष्ट। हाँ, उद्देश्य जो आपके पाठ योजना में होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो आपका सामान्य उद्देश्य होता है और एक आपका विशिष्ट। ये आप लिखते भी हैं, लिखते हैं ना? ठीक, तो वही चीज पढ़ाऊंगी जो आपने देखी है, ऐसा नहीं कि हाँ हाइपोथेटिकल आपको बता दूं आप समझ ही ना पाए। तो ये जो उद्देश्य होता है ये किससे संबंधित होता है? विषय की प्रकृति से। कौन सा उद्देश्य है ये? जो पूरे विषय में लगभग एक समान हो, जैसे साइंस का अलग, सोशल साइंस का अलग, गणित का अलग, है ना? तो वो उद्देश्य आपके कौन से होंगे? सामान्य। जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल ले हम, गणित पढ़ाने के सामान्य उद्देश्य कौन कौन से होंगे? एक एग्जाम्पल याद होगा आपको, तर्क करने की क्षमता का विकास। ये लगभग सारे गणित के आप लेसन प्लान में लिखे होंगे, देखा होगा, और लगभग ये होता भी है कि गणित की जितनी संक्रियाएं होती हैं वो किसका विकास करती हैं? हमारे तर्क क्षमता का। तो ये कौन सा उद्देश्य हो गया आपका? लेकिन गणित में आप पढ़ा रहे हैं गुणा, तो बच्चा एक अंक का गुणा कर सकेगा, बच्चा दो अंक का गुणा कर सकेगा, कक्षा पांच तक ही पढ़ाना ना, फिर तीन अंक का गुणा कर सकेगा, है ना, भिन्न का गुणा कर सकेगा, दशमलव का गुणा कर सकेगा। अगर इस प्रकार के आपके उद्देश्य बने हैं तो कौन से उद्देश्य होंगे? वो विशिष्ट। अर्थात जो ये उद्देश्य होगा वो किससे रिलेटेड होगा आपका? प्रकरण से। सामान्य उद्देश्य पूरे विषय में लगभग स्थायी होते हैं, वो विषय क्यों पढ़ाया जा रहा है, गणित आपके पाठ्यक्रम में क्यों है, इसका आकलन कराते हैं। लेकिन कोई कंटेंट आप क्यों पढ़ा रहे हैं, कक्षा में क्यों आ रहा है, अगर इस पे सबसे ज्यादा फोकस दिया जाए तो कौन से उद्देश्य इंपॉर्टेंट हो रहे हैं आपके? विशिष्ट। क्योंकि वो प्रकरण क्या है? विशिष्ट। हो सकता है कक्षा तीन में आपके यहाँ गुड़ा हो और कॉन्वेंट में कक्षा दो में ही हो, लेकिन गणित आप में भी है, गणित उनमें भी है, तो प्रकरण क्या होते हैं? आगे पीछे हो सकते हैं,
कब कौन पढ़ाना है टीचर डिसाइड करेगा, पहला चैप्टर पढ़ाए, दूसरा पढ़ाए, तीसरा पढ़ाए, लेकिन पढ़ाना सब है। लेकिन गणित क्यों पढ़ाना, ये आपका क्या है, दीर्घकालीन उद्देश्य होता है, लॉन्ग टाइम। आपके ये उद्देश्य पूरे विषय में लगभग क्या होते हैं, स्थाई होते हैं। कुछ स्पेशल आप जोड़ सकते हैं इसमें, लेकिन क्या, जैसे तर्क का विकास, समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास, गणित का दैनिक जीवन में प्रयोग, जैसे टॉफी लेनी है तो वो ठगा ना जाए अगर उसने जोड़ घटाना सीखा हुआ है, ये भी तो उद्देश्य है ना। क्यों आप गणित सिखाते हैं, आप सामुदायिक गणित पढ़े होंगे, सामुदायिक क्रियाकलापों में जो आप गणित करते हैं, कितनी जनसंख्या है, कितना रेशियो है गर्ल्स बॉयज का, जो आपका लिंगानुपात है, तो ये सब सोचे, ये सब सारी चीजें कौन से उद्देश्य में आएंगी आपके, सामान्य। और जो प्रकरण से रिलेटेड आपके उद्देश्य होंगे वो कौन से उद्देश्य होंगे, विशिष्ट। यहाँ तक क्लियर है, कोई चीज पूछनी तो पूछ लीजिए, बताऊं। प्रकरण से रिलेटेड और विशिष्ट में मैंने आपको तीन कैटेगरी ब्लूम की बताई, कौन कौन सी, संज्ञानात्मक, ये यहीं पे है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, अभी बताया, जरा बताइए तो, वेरी गुड, क्रियात्मक क्या, मनोचालक, वो यहां नहीं है, मतलब ब्लूम का पूरा विशिष्ट, ब्लूम की पूरी टैक्सोनॉमी फोकस किस पे करती है, विशिष्ट उद्देश्यों पे, और सामान्य उद्देश्य लगभग आपके समान होते हैं ना हर में, तो किस पे आप लागू करेंगे ब्लूम की टैक्सोनॉमी, विशिष्ट पे, ठीक है। और वो जो RCM आपका है वो भी क्या है, विशिष्ट, क्योंकि समान उद्देश्य में आप 1, 2, 3, 4 लिखते हैं, 1, 2, 3 मान लीजिए 5 तक लिखते हैं, है ना, इसमें नहीं लिखते कि ये हेडिंग है हमारी, लेकिन जब विशिष्ट लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं पहला क्या, ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो उसमें 1, 2, 3, फिर बोधात्मक उद्देश्य, उसमें 1, 2, 3, फिर क्रियात्मक उद्देश्य, उसमें 1, 2, 3। याद करिए, थोड़ा सा रिकॉल करिए, जब आप लेसन प्लान बनाते हैं उसी यही है, वो आपको अभ्यास नहीं रटाया जाता, लेकिन अगर आप यहाँ समझ लेंगे तो आप जानेंगे कि ऐसा क्यों बना है। अगर सिर्फ मेंटली आपको देखा जाए जो पढ़ाया, रटने वाला स्मृति स्तर का, तो वो कौन से आपके उद्देश्य होंगे, ज्ञान स्तर के। यहाँ ज्ञान से मतलब सूचना से, जो हमने सूचना दी आप मुझे वैसे वापस लौटा दिए। अगर उसमें समझ लेते हैं, दूसरे से तुलना कर लेते हैं, पृथक्करण कर लेते हैं, ऐसी चीजें, तो वो कौन सा है आपका, बोधात्मक उद्देश्य, यहाँ उद्देश्य बोधात्मक, ठीक। तीसरा आपका जो आपका टर्म है क्रियात्मक, अगर उसका दैनिक जीवन में आप उपयोग जानते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपने पढ़ा और आप वास्तव में जब सांस छोड़े तो आपको पता हो कि ये निकल जो रहा है गरम गरम, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी नाक बहती है वो अलग बात है, ठीक है। तो ये टर्म जो आपके हैं वो क्या है, विशिष्ट उद्देश्य है। हाँ ठंडी है तो नाक बहेगी, तो साइकोलॉजिकल नहीं फिजिकल प्रोसेस है, ठीक। इतना समझ में आया, नोट कर लिया ना, ये बताना नहीं था, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए मुश्किल हो जाती। फिर आप देखिए, हमारा कौशल का विकास करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे, सूक्ष्म शिक्षण के, ठीक। किसका विकास करना है, उद्देश्य का। अब हम एक प्लान करेंगे कि उद्देश्य लेखन कैसे किया जाता है। यहाँ पे आप जैसे क्लास कक्षा सब लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे सूक्ष्म शिक्षण योजना, जो आपका प्रोफार्मा होता है ऐसे बनेगा पूरा। यहाँ क्या लिखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण योजना, जैसे आप पाठ योजना लिखते हैं। फिर यहाँ कॉलेज का नाम, कौन सा कालांश, ये सब लिखते हैं। फिर आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो यहाँ बैठ के 5 लोग आपका मूल्यांकन करेंगे, उनके पास एक एक शीट होगी। आप यहाँ बताएंगे कि हमने, हमें पढ़ाना है मान लीजिए दाब, है ना। अब यहाँ मत कहिएगा साइंस नहीं पढ़ना है, लिखित में साइंस है, है? तो आपका दाब पढ़ाना है, ठीक। तो आपने कैसा उद्देश्य बनाया, तो आप बताएंगे कि मेरा दाब पढ़ाने का ये ज्ञानात्मक उद्देश्य है, मेरा दाब पढ़ाने का ये बोधात्मक उद्देश्य है, मेरा दाब पढ़ाने का ये क्रियात्मक उद्देश्य है, है ना। तो आप जब भी बताएंगे तो वहां जो बैठा है वो चेक करेगा कि इनके उद्देश्य पिन पॉइंटेड है कि नहीं। पिन पॉइंटेड मतलब जिस चीज के लिए बनाया है वही नापेंगे कि नहीं, विभेदीकरण उनमें है कि नहीं, कि अच्छे और कम अच्छे बच्चों में वो क्या करें, डिफरेंस कर सकें, विश्वसनीय है कि नहीं। हर आपके कौशल में ये चीजें आएंगी, वैधता, विश्वसनीयता, है ना, विभेदीकरण, विशिष्टता। तो कहेंगे कि जो इनका टॉपिक है, जो इनका उद्देश्य है, वो गणित की प्रकृति के अनुसार है कि नहीं, या विषय की प्रकृति के अनुसार है कि नहीं, बच्चे के कक्षा के अनुकूल है कि नहीं, ये भी करेंगे ना। कक्षा 5 पढ़ा रहे हैं, आपका लेवल कक्षा 10 का है। जैसे कहेंगे कि हमको कक्षा 5 का टीचर बनाना है और हमारे पाठ्यक्रम में कक्षा 12 स्तर का दे दिया प्रश्न,
तो आप टीचर है ना, लेकिन स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो आप कक्षा 12 को मत पढ़ाइएगा, आप किसका पढ़ाएंगे? कक्षा 5 का। तो यहाँ एक पॉइंट आपका और हो जाएगा, क्या उद्देश्य आपके विषय के अनुकूल है कि नहीं, बालकों के कक्षा स्तर के अनुकूल है कि नहीं, पिन पॉइंटेड है कि नहीं, स्पष्ट लिखे हुए कि नहीं, वही नापेंगे जिनके लिए इनका निर्माण किया जा रहा है, अर्थात वैध है कि नहीं। तो इस प्रकार के आपके जितने भी कौशल के उद्देश्य लेखन कौशल के विकास होंगे वो किसके द्वारा होंगे? सूक्ष्म शिक्षण के। तो ये आपका पहला पॉइंट था कि उद्देश्य कैसे होने चाहिए, इसके लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, सामान्य और विशिष्ट दो प्रकार, ब्लूम की टैक्सोनॉमी, और क्या RCM वाला भी याद रखिएगा, ठीक। और एक चीज जान लीजिए, यहाँ जो आप अभी तक जो उसमें टिक लगा के आए हैं क्या था, ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन, उन्होंने जो है अपनी टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया है, ये क्रॉस, ये ऊपर, ये यहाँ, और लास्ट में इन्होंने क्या लिख दिया, सृजनात्मक। ये ब्लूम ने ही किया है 2001-2 में, ठीक है। ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी को फिर से संशोधित किया, हमने पढ़ा यही है जो शुरू में उनकी आई टैक्सोनॉमी, लेकिन अभी वर्तमान में उन्होंने जो ये इसमें संशोधन किया उसमें विश्लेषण को हटा के अनुप्रयोग के बाद डायरेक्ट संश्लेषण है, फिर मूल्यांकन, फिर कौन सा एक जोड़ा उन्होंने, सृजनात्मक। पूरे स्टेज आपके 6 ही हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट आपका टर्म क्या है, हाँ, इसी को ध्यान में रख के RCEM ने बनाया है। अब वो अलग से नहीं है, वो इसी से रिलेटेड है। तो आप समझ में आ गया उद्देश्य कैसे होने चाहिए। अभी आपका एक और बता दूं, चलिए दूसरे कौशल का अगर हम अध्ययन करेंगे, बहुत छोटा सा है, आज खत्म हो जाएगा, इसलिए वो पॉइंट आपका ले रही हूं। हालांकि कई चीजों का आपने अध्ययन नहीं किया होगा, लेकिन यहां आपको सारे कौशल डेवलप करने हैं ना, तो आप सब कुछ जाने कि प्रश्न कैसे बोलने चाहिए। इसमें भी मैंने 3 आपको बताया शुरू में उद्देश्य, क्या एक तो आपका ज्ञानात्मक पक्ष होगा, दूसरा आपका कठोर, तीसरा मृदु। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट कैसे होने चाहिए प्रश्न में, अगर कठोर वाले में देखेंगे तो कठोर वाले में क्या होगा, आपका उपकरण जो प्रश्न करने में आप यूज कर रहे हैं, उपकरण मापन, वो आपका कठोर हो गया। मृदु क्या होगा, उसके प्रश्नों की प्रकृति, ठीक। और यहाँ पहला ज्ञानात्मक क्या होगा, प्रश्न कैसे पूछा जाता है। अब समझिए प्रश्न का जो लॉजिक है, पहले तो प्रश्न जो पूछे जाने चाहिए, जनरल बता रही हूँ कैसे पूछा जाता है, ये आप जनरली जानिए कि प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है, ये नहीं कि आप किसी को खड़ा कर दिया और प्रश्न पूछे, ये आपका शिक्षण कौशल के अंतर्गत है। पहले आप सामूहिक रूप से प्रश्न क्या करेंगे, पूछेंगे, फिर सबको देखेंगे, है ना। इससे क्या होते हैं बालक, क्या होते हैं, अवधान में आ जाते हैं, टेंशन में आते हैं, फिर आपको जैसे लगे कि हमें इससे पूछना चाहिए, आप उसको खड़ा करिए और उत्तर प्राप्त करिए। ये होता है जो आपका पक्ष, ये आपका भावात्मक पक्ष होता है प्रश्न पूछने का। दूसरी चीज, प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं, अगर आप बालक के बोध स्तर को देखना चाह रहे हैं तो कभी यह मत पूछिए कि किस सन में हुआ, किसके द्वारा ये आपका डिफिनीशन दिया गया है, ये सब चीजें क्या होती है स्मृति स्तर की। इसमें बालक खड़ा होगा और चुप हो जाएगा, है ना, अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। चिंतन देखने चाहते हैं तो उसको एक ऐसी समस्या दीजिए जो आपके टॉपिक से जुड़ी हो, और उसमें क्या करे, क्रिटिकल एनालिसिस करे और आपको रिजल्ट दे। तो प्रश्न जो प्रकार होते हैं आपके, 2 प्रकार के होते हैं, वस्तुनिष्ठ और कौन से, व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ, इसको कई प्रकार से बोलते हैं, 2 हैं आपके, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव, है ना। व्यक्ति वस्तुनिष्ठ कौन सा है आपका, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और व्यक्तिनिष्ठ है आपका कौन सा, सब्जेक्टिव। यहां पहले देखेंगे कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तब हम बताएंगे कि प्रश्न कैसे होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो है जिस पे मूल्यांकनकर्ता के अपने हाव भाव, अपने विचार, अपना पक्षपात, कोई भी चीज इफेक्ट ना करे। जैसे आपका हुआ बहुविकल्पी,
अगर आपका जो प्रश्न है बहुविकल्पी है तो उसके चार ऑप्शन होंगे, 1, 2, 3 और 4 होंगे ना, और उसका आंसर अगर 2 होगा वास्तव में और बच्चा 2 लगा दिया तो आपके घर से उसके घर से भले मार हो गई हो लेकिन आप उसका नंबर नहीं काट सकते। आपको गर्मी लग रही है यहाँ जल्दी जल्दी कॉपी जांच है लेकिन ये 2 नंबर अगर 2 पे सही लगाए तो क्या करेंगे, 2 ही करेंगे, है ना। आपको वो कक्षा में बहुत परेशान करता है, बार बार प्रश्न पूछता है, आप सोचते हैं उसका नंबर काटेंगे लेकिन क्या करेंगे, आप देंगी। अर्थात इसमें परीक्षणकर्ता के अपने हाव भाव, अपनी मनोवृत्ति, अपने जो पूर्व धारणाएं होती है वो कुछ इफेक्ट नहीं करती। इस प्रकार के प्रश्न आपके कौन से प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ। अब इसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे, एक तो आपको क्या बताया बहुविकल्पी, हाँ सत्य असत्य, ठीक है मिलान, मिलान वाला वही है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ये ऐसे जो आपके प्रश्न होते हैं उसमें जो जिसका होगा वही होगा। आप इसमें नंबर काट सकते हैं किसी का ना, आपके कुछ मनोवृत्ति नहीं, मैं मानता हूँ मानता नहीं चलेगा, जो आंसर होगा वही चलेगा। जैसे अभी मैं इसको बताऊंगी तो आप मानने वाली बात करेंगे टीचरों की, है ना। फिर आप मिलान प्रश्न देखिए, सत्य असत्य देखिए, बहुविकल्पी देखिए, रिक्त स्थान प्रश्न देखिए जिसमें ब्रैकेट में आपके ऑप्शन दिए हों। ऐसा नहीं कि आपको अपने मन से भरना है तो आप कुछ भी भर देंगे, ऐसे प्रश्न हो जिसके यहाँ प्रश्न दिया हो डॉट डॉट और यहाँ पे क्या हो ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 कुछ ऑप्शन दिया हो, ऐसे ऑब्लिक करके देता है तो इसमें किसी चार में से एक ही भरेंगे और आंसर भी क्या होगा, कोई एक ही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके कौन से प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ। अच्छा है ना, अच्छा प्रश्न है ना, प्रॉब्लम क्या है इसमें, तुक्का जो लगा हुआ है ना, कुछ तो लगा ही होगा, मेरा भी लगा है, मेरा 2 प्रश्न लगा है बस, ठीक है। अब देखिए इसमें जो प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई चीज रटा हुआ है जो स्मृति स्तर की चीज है, कोई बालक है बहुत तेज रट्टा मारता है जैसे सर, है ना, तो अगर कोई बहुत तेज रट्टा मारता है तो इस प्रकार के जो आपके प्रश्न होते हैं वो उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन बहुत समझदार है लेकिन रट नहीं सकता, जिसकी स्मरण शक्ति कम है उसके लिए ये प्रश्न उतने अच्छे नहीं माने जाते। इसमें आपके तुक्का लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है ना, ये इसकी बहुत बड़ी कमी है, बाकी सब कुछ इसमें ठीक है लेकिन ये इसके वीक पॉइंट है। अब आते हैं व्यक्तिनिष्ठ, बहुत ख़राब है ना, इसमें जो चाहे जो नंबर दे दे, लग रहा है अभी आइए, इसमें कौन कौन से आपके होंगे, व्याख्या है, विवरणात्मक है, कई प्रकार के आपके होते हैं। यहाँ आप जो पढ़े होंगे 2-3 अति लघुत्तरी, ऐसे अति लघुत्तरी जो वस्तुनिष्ठ में ना आए, जिनका एक ही आंसर, जैसे ये कोष्टक बंद, ये किसकी परिभाषा है, तो ये क्या है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो वाला प्रश्न उसमें नहीं आएगा। उस प्रश्नों की भी प्रकृति देखिएगा, जैसे आपसे पूछा कि प्रयोजना विधि, पिछली बार का प्रश्न है आपका, किसने खोजी है, तो ये आपका अति लघुत्तरी था ना, लेकिन कौन सा था, वस्तुनिष्ठ था। अब यहाँ आप किसको लिखेंगे, किलपैट्रिक को ही लिखेंगे, अगर आप किसी और को लिखेंगे तो नहीं माना जाएगा और वो आपको एक नंबर देगा सही है तो नहीं होगा तो गलत। तो लेकिन ऐसे आपके अति लघुत्तरी प्रश्न जिसमें आपके अपने भाव, व्यक्तिनिष्ठ किसका है, जो आपका स्टूडेंट है उसके अपने विचार जहाँ पे लागू होने शुरू हो जाएं वो आपके व्यक्तिनिष्ठ हो जाएंगे। जैसे लघुत्तरी प्रश्न जो आपके होते हैं, ये नहीं कि आप सीरीज से रट गए लिख गए, वहाँ क्या होता है लघुत्तरी प्रश्न आपके व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, आपके अपने विचार, अपना चिंतन स्तर क्या करते हैं वो प्रदर्शित करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उनको ये भी बोलते हैं निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें निबंध टाइप लिखते हैं, जैसे निबंध लिखने को आपको दे दिया गया, तो ये ऐसे प्रश्न होते हैं। अगर इसमें आपका मैक्सिमम 10 है तो कभी 10 नहीं मिलता, बहुत अच्छा लिखते हैं, वो टीचर को कमी मिल ही जाएगी, बहुत अच्छा आपको, आपके ऊपर एकदम है कि नहीं बहुत अच्छा है, पैर छूता है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या करेगा 10 में 10 नहीं देता। नहीं मैं कमियां बता रही हूँ, अच्छाई तो दे भी सकते हैं, जैसे मैं इसकी प्रॉब्लम आपको बता रही हूँ, यहाँ आपके जो मूल्यांकन करता है उसका प्रभाव ज्यादा होता है। बहुत अच्छा मूड है तो आपका मान लीजिए 9 दे दिया, घर से झगड़ा नहीं हुआ था और घर से झगड़ा करके आया मूल्यांकन कक्ष में बैठा, एकदम दिमाग में चल रहा है, अरे ऐसे 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 आज हमें इतना काम करना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, ऐसे झगड़ा हो गया
और महिलाओं के साथ भी बहुत होता है, तो वो क्या करेगा, वो आपको 7 से ऊपर नहीं देगा। कितना आपका कटा ना, हो सकता है आपने बहुत अच्छा लिखा हो, उसका मूड गर्म था, पूरा पढ़ ही नहीं पाया, हेडिंग आपने अच्छी नहीं लिखी हो, मैटर अच्छा लिखा हो, हेडिंग पढ़ के छोड़ दिया, क्या करेगा, नंबर कम कर देगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न होते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि बालक के अपने विचार जिसलिए उसको पढ़ा रहे किससे निकलेंगे, व्यक्तिनिष्ठ से निकलेंगे। इसीलिए आपके मूल्यांकन प्रपत्र में व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के प्रश्न होते हैं। कुछ जो मेंटली आपके बहुत तेज हैं, बहुत ज़्यादा उनकी स्मृति है, वो आपके स्मृति स्तर के प्रश्न कर लेंगे जो वस्तुनिष्ठ हैं, और जो बहुत अच्छा विचार व्यक्त करते हैं, मान लीजिए इधर 10 नंबर कटा, वो क्या करेंगे, इधर बढ़ा देंगे। बालक में आपको सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए दोनों प्रकार के प्रश्न आपके योजना में भी होने चाहिए और मूल्यांकन में भी होने चाहिए। अब इन प्रश्नों को बनाने का तरीका जो आपका होता है वो क्या होता है, कौशल का विकास। तो आपके जो प्रश्न होने चाहिए पिन पॉइंटेड होने चाहिए, प्रकरण से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा होता, जैसे आपने बाबर पढ़ाया, बाबर की जीवन कथा, अब आप बच्चे से पूछें कि बाबर कैसे थे, अब हो सकता है वो युद्ध से बता दें, हो सकता है उनके व्यक्तित्व से बता दें, हो सकता है उनके जो है परिवार के बारे में बता दें, तो आपका जो उत्तर जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। इसलिए जो आपका प्रश्न होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पिन पॉइंटेड होना चाहिए, जिसलिए आपने उसका निर्माण करा है वही वो मापना चाहिए। इससे क्या विश्वसनीयता, वैधता और विभेदन क्षमता कि अच्छे और कम अच्छे बच्चों में क्या करे वो डिफरेंस कर पाए। जैसे आपका 90 नंबर, इसमें टारगेट रखा ना, क्या करते हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो इससे ऊपर है वो क्या एलिजिबल है, जो इससे नीचे है वो एलिजिबल नहीं है, तो ये एक विभेदन उसकी रेखा है। तो प्रश्न आपके इस प्रकार से होने चाहिए कि आप बालक के वास्तविक मूल्यांकन का अध्ययन कर सकें। ठीक है।